Please put some idea on like how significant is the business model in startup. Sure, thanks, Uma. Yes, sir. So business model is like Atma, okay? And Atma yane ki apne andar jhaakna. So कई बार लोग बिजनेस मॉडल को बिजनेस प्लान के साथ मिक्सअप कर देते हैं. सो बिजनेस प्लान इज डेफिनेटली डिफरेंट देन बिजनेस मॉडल. बिजनेस मॉडल इज गोइंग टू डिफाइन कि आपका बिजनेस क्या है, आपकी कंपनी क्या है. ओके, सो बिजनेस मॉडल क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंपनी नेसेसरी टू मेक मनी. और मैंने जो बोला कि ये इवॉल्व होते रहता है, ये फिक्स नहीं है, ये आइटरेट होता रहेगा. आप डेफिनेशन ए में जाएंगे, फिर जब आप फील्ड में जाएंगे आपको कुछ और नॉलेज मिलेगा. आप बाद में वापस आएंगे, आपका वापस बिजनेस मॉडल रीसेट करेंगे एंड देन वी विल गो टू कस्टमर टिल वी फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमल वन. अब आज के टॉक का ये सबसे इम्पोर्टेंट पीस है एंड आई वुड लाइक टू पास दिस मैसेज टू एवरीबॉडी. तो दिस कैन बिकम लिटिल टेक्निकल बट मैं चाहता हूँ कि आप इसकी तरफ ध्यान दें. आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. अगर आप ये कैचअप कर सकते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि मुझे पता है इस ऑडियंस में कई ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं. They are aspirant of becoming a startup. And I also know there are people who have already started their startup. I don't know how they are doing, but if there are some difficulties that they are facing, it is good to go back to the basics. So उन लोगों को भी एक टेम्पलेट मिल जाएगा जाके देखने में कि ये जो हम पीसेस की बात कर रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा पीस है जो हम सही तरह से नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अभी. So जब हम बिजनेस मॉडल बनाने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं और वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ शुरू करना और कहाँ खत्म करना है समझ में नहीं आता है. और हर आदमी अलग अलग तरीके से एक ही चीज के बारे में बोलने लगता है एंड देन इट बिकम्स वेरी मच कंफ्यूजन कि करना क्या है एग्जैक्टली. सो दो जेंटलमैन है, अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्ड और पिग्नियर. तो ये दो बंदों ने साथ में आके कहा कि कैन वी कम आउट विद द फ्रेमवर्क जो बताएगा कि जब बिजनेस शुरू हो रहा है तो बिजनेस मॉडल किस तरीके से डिजाइन करना है. और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के साथ वो लोग आए हैं तो हम लोग देखेंगे उस फ्रेमवर्क को. पहले मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा उसको यूज कैसे करना है. तो जब हम बिजनेस मॉडल के कैनवास की बात करते हैं तो इसमें करीबन 9 पीसेस होते हैं. ओके, और ये 9 पीसेस जो है ये मैंने आपके सामने रखे हैं. तो हम लोग वन बाय वन इसको देखना शुरू करेंगे. अब जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दे आर स्टार्टेड विद वैल्यू प्रपोजिशन. बट मैं वैल्यू प्रपोजिशन से स्टार्ट नहीं करना चाहता हूं. आई वांट टू इंप्रोवाइज बिकॉज़ आई हैव अ बिलीव दैट वैल्यू प्रपोजिशन है वो कस्टमर अपने एंगल से देखता है उस चीज को. इट इज नॉट व्हाट यू वांट टू ऑफर. कस्टमर उस चीज को कैसे देखता है उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिसाइड होती है. तो आई लाइक टू स्टार्ट विद कस्टमर सेगमेंट. पहले हम कस्टमर सेगमेंट की बात करते हैं. तो कस्टमर सेगमेंट क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताने की कोशिश की कि इंडिया में 125 करोड़ लोग हैं, सारे मेरे कस्टमर नहीं है. तो कौन मेरे ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं जिनके तक मैं पहुंचना चाहिए. ये सेगमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, इसके कुछ मार्केटिंग के लैंग्वेज में कुछ फंडामेंटल्स है. कुछ लोग इसको एज के साथ सेगमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उसको जेंडर के साथ सेगमेंट करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साड़ी के बिजनेस में जा रहा हूँ तो आई विल से कि 125 करोड़ में आधे मेल से आधे फीमेल से, तो आधा फीमेल से मेरा पहला टारगेट है, पहला सेगमेंट है. देन फिर मैं उसमें देखूंगा कि ये आधे फीमेल में से कौन से एज ग्रुप की फीमेल मेरी साड़ी यूज करने वाले हैं. तो मैं उसको कट डाउन करूंगा कि चलो ये एज ग्रुप है 20 से 30, 30 से 40, 30 से 50, 50 से 70. तो मेरे को उसका सेगमेंट मिल जाता है. ये एक तरीका हुआ इसको सेगमेंट करने का. डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू ब्रिंग टू द मार्केट आप उसको सेगमेंट कर सकते हैं. आप सेगमेंट कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सब जगह अवेलेबल होगा, इट विल बी मास मार्केट प्रोडक्ट जैसे हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट होता है, या मेरा निश मार्केट प्रोडक्ट होगा. स्पेसिफिकली अगर जॉनसन एंड जॉनसन देखेंगे तो वो निश मार्केट बच्चों के मार्केट में ही काम करता है. तो देयर आर डिफरेंट वेज टू सेगमेंट मार्केट, बट मार्केट सेगमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको बताएगा कि आपका कस्टमर कौन है. ठीक है, अब आपका कस्टमर कौन है जब आपको समझ में आएगा तब आप उसको वैल्यू ऑफर करना शुरू करोगे. तो देन यू विल बी एबल टू ऑफर द वैल्यू टू हिम. अब वैल्यू प्रपोजिशन क्या होता है, जब मैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ कि आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, तो मैं कई बार वो मेरे को बताते हैं उनके प्रोडक्ट के फीचर क्या है. प्रोडक्ट फीचर इज नॉट वैल्यू प्रपोजिशन. प्रोडक्ट फीचर इज जस्ट एन यूनिकनेस अबाउट दैट प्रोडक्ट.
बट वैल्यू प्रोपोजिशन ये होता है कि किस रीजन से कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट यूज करेगा। अगर मार्केट में, जैसे मैंने बिस्किट की बात की थी, मार्केट में 10 बिस्किट के ब्रांड है, आपका ही बिजनेस, आपका ही बिस्किट क्यों, कोई क्यों खरीदी करेगा? सो दैट इज वैल्यू प्रोपोजिशन। एकदम सिंपल एग्जाम्पल दो तो अपने घर के पास जो किराने वाला होता है उसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? कन्वीनियंस। जो चीज मार्केट में सस्ते में मिल सकती है आप उसके पास जाके 2 रुपए एक्स्ट्रा दे के लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको कन्वीनियंस है। तो कन्वीनियंस इज वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इट कैन बी टोटली न्यू प्रोडक्ट। इमेजिन करिए जब मोबाइल नहीं थे और मोबाइल पहले बार आया, सो इट वॉज अ न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन, सो इट वॉज टोटली न्यू टाइप ऑफ ऑफरिंग। मारुति की कार कोई क्यों लेता है? वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं, उसका सर्विस फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, आपको चाहिए वहां सर्विस मिल जाता है। रोलेक्स की घड़ी कोई क्यों लेता है? घड़ी में टाइम देखने के लिए नहीं लेता है, इट्स अ स्टेटस सिंबल, इट्स अ स्टेटस, सो दैट्स अ वैल्यू प्रोपोजिशन। तो हर चीज को कस्टमर अलग नजरिए से देखता है और किस आपके प्रोडक्ट की कौन सी चीज से उसको क्या वैल्यू मिलेगी उसको वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। आपने कस्टमर आइडेंटिफाई कर दिया, आपने आइडेंटिफाई किया क्या रीजन है जिसकी वजह से कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदी करेगा, मेरा ही प्रोडक्ट खरीदी करेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कस्टमर तक पहुंचना कैसा है, एंड दैट इज चैनल्स टू द मार्केट। सो जो चैनल्स होते हैं वो दो काम करते हैं आपके लिए। चैनल्स आपके लिए डिलीवरी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, बट चैनल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। इट कैरीज योर कम्युनिकेशन, योर वैल्यू प्रोपोजिशन टू द कस्टमर। चैनल्स अलग अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। चैनल्स डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर हो सकते हैं, वेब बेस्ड हो सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ वेज वन कैन हैव चैनल्स, बट दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके कितना भी ग्रेट प्रोडक्ट रहने दो, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन कितना भी सॉलिड रहने दो, आपका कस्टमर आइडेंटिटी कितना भी करेक्ट रहने चाहिए, हो गया तो भी उसके तक आप पहुंच पाएंगे तभी जब आपके पास आपके चैनल्स अच्छे हैं। Then after that, आपने कस्टमर तक सामान पहुंचा दिया, you want the same customers to keep buying product from you again and again, right? So, एक कस्टमर को आपने अगर कन्वर्ट कर दिया, हम बिजनेस के लैंग्वेज में कहते हैं never lose your customer. You can lose a particular sale order to him, क्योंकि नया कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट 6 times हायर है than maintaining the existing customers. So you will see there are companies which are smart companies, they will keep coming up different ways of maintaining customer relationships. So the next thing is कस्टमर रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाता है। जब आप स्टार्टअप क्रिएट करोगे उसी टाइम में आप इन सब के बारे में सोचना आपको शुरू करना है, इसके बारे में कि कस्टमर को कैसे हमको पकड़ के रखना है। तो समटाइम्स यू सी कंपनीज कमिंग विद लॉयल्टी स्कीम्स, सो दैट इज अ वे ऑफ मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप। कई बार आप देखते हो आपको सर्विस देते हैं, सो दैट्स अ वे टू रिटेन द कस्टमर्स। यू गेट बैकअप फ्रॉम द कॉल सेंटर्स, you get support on the app, these are all efforts to maintain your customer relationship. ab ye cheeze karne ke baad humko kya dekhna hai ki hamare revenue streams kya hogi business mein, aur ho sakta hai aapke business mein more than one revenue stream hoga, wo bahut achhi cheez hoti hai. you always want to build multiple revenue streams from your business. revenue stream kya hai? aapne customer identify kiya tha, aapne usko value proposition offer kiya, आपने उसको मेंटेन करके रखा, लेकिन उससे पैसा आपको आता रहना चाहिए। तो आप उससे पैसे कैसे लेंगे? आप उससे पैसे लेंगे सेल ऑफ प्रोडक्ट से, आप उससे पैसे ले सकते हैं सेल ऑफ सर्विस से। देर आर बिजनेस मॉडल्स विच आर ड्रिवन ऑन फ्रेंचाइजिंग, तो आप उसको फ्रेंचाइज फी से। देर आर बिजनेस मॉडल्स विच आर ड्रिवन ऑन मेंबरशिप, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप होती है, आप मेंबरशिप लेके पैसा कमा सकते हो। सो देर हैज टू बी मल्टीपल वेज। ब्रोकरेज की फीस होती है, so different companies charge you for brokerage, different companies charge you licensing royalty, especially technology companies. Business becomes extremely important. Okay, ab humne ek side of the business dekh liya ki paisa kahan se aayega, aur marwadi aadmi hai pehle dekhta hai paisa kahan se aayega, lekin paisa apne aap nahi aata hai, uske liye kuch activities karni padti hai. to ab humko identify karni hai ki mere business ko jab main shuru karunga to mujhe kya resources ki zarurat padegi. रिसोर्सेस फिजिकल हो सकते हैं, रिसोर्सेस इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। फिजिकल रिसोर्स है ना, मेरे को एक्स वाई जेड चीज प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट मशीनरी लगेगा, एक्स वाई जेड चीज बनाने के लिए मेरे को टेक्नोलॉजी लगेगा। इफ यू आर अ वेब बेस्ड कंपनी और इफ यू आर एन आईटी कंपनी, यू विल नीड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। सो व्हाट आर दीज रिसोर्सेज दैट आई विल नीड, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई विल नीड, व्हाट काइंड ऑफ मनी आई विल नीड, सो दैट्स अ रिसोर्स लिस्टिंग। फिर ये पैसा आने के बाद मैं करूंगा क्या? आई हैव टू आइडेंटिफाई द की एक्टिविटीज आई एम गोइंग टू डू पैसा आने के बाद।
तो एक्टिविटीज हो सकती है कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूँ तो मेरे को लैंड एक्वायर करना पड़ेगा या कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एक्वायर करना पड़ेगा, फिर मेरे को राइट काइंड ऑफ मशीनरीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, फिर मेरे को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना पड़ेगा, फिर मेरे को एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे। तो ये सारे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज आपको सोचना है। आज हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं इट्स इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वी ऑल्सो नीड पार्टनर्स टू एग्जीक्यूट अवर बिजनेस प्लान। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई हु विल बी अवर पार्टनर्स। दिस पार्टनर्स कुड बी योर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, दिस पार्टनर्स कुड बी योर सप्लाई चेन पार्टनर्स, दिस पार्टनर्स कुड बी योर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, दिस कुड बी एनी फॉर्म ऑफ पार्टनर्स, बट देन यू हैव टू आइडेंटिफाई, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई रिलायबल पार्टनर्स विच विल स्टे विद यू इन द सेम बिजनेस बिकॉज योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन सपोर्ट फ्रॉम देम। ये सब करने के बाद यू विल रीच एट द कॉस्ट स्ट्रक्चर। सो हमने पहले राइट साइड में देखा कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या होगी, अब हम देख रहे हैं हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। हम कॉस्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं कि मेरा फिक्स कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी। अगर मैं अपने रूटीन से जाऊं, जो हमको बचपन से सिखाया जाता है कि इफ यू कीप योर कॉस्ट लो एंड यू बिल्ड योर रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग, देन यू हैव अ प्रॉफिटेबल कंपनी, एंड आई एम अ बिलीवर ऑफ दिस। सो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ बच्चों को, जो भी स्टार्टअप के साथ मैं कंसल्ट, आई मीन आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग दिस बिकॉज आई वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द एकेडमिक वर्ल्ड, आई वाज अ डायरेक्टर एट अ लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी एंड आई वाज रनिंग अ इंक्यूबेशन सेंटर, सो आई हैव क्रिएटेड 14 स्टार्टअप्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो कन्वेंशनल विजडम ये है कि यू बिल्ड योर कंपनी विथ योर रेवेन्यू एंड देन व्हेन यू ग्रो यू गेट मनी फ्रॉम फंडिंग फॉर ग्रोथ कैपिटल। बट आज के दुनिया में हम देखते हैं कई कंपनी जो वेब बेस्ड होती है वो पहले सीरीज ए सीरीज ए फंड में फंड रेज करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि आपको मास मार्केट पहुंचना जरूरी है और मास मार्केट पहुंचने के लिए बहुत सारा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होता है। देन यू गो टू अ फंडिंग एजेंसी एंड यू रेज फंड्स। ओके, तो आप छोटा पोर्शन आपकी कंपनी का किसी को देते हैं एंड देन यू रेज फंड एंड मेक यूज ऑफ दैट फंड। सो मैं जो जोमेटो की बात कर रहा हूँ, मैं जो फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर बिग इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, but if you look at their profitability, they are not profitable, they are making huge losses. So we can debate on this towards the end of this topic, but I just wanted to give you even that perspective. Abhi humne canvas kaise construct karte ye dekha, but hamesha hum aisa colorful picture leke to nahi baith sakte, so we'll convert this to a simple tool. Main sare cheeze hata ke I will put a grid around this and this is how the grid will look. So maine customer segment ki baat ki, मैंने वैल्यू प्रोपोजिशन की बात की, मैंने रिलेशनशिप की बात की, चैनल्स की बात की, वो आपको यहाँ लिखना है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स यहाँ लिखना है, कॉस्ट स्ट्रक्चर, की रिसोर्सेस और ये। सो ये टूल बहुत ही पावरफुल है और जब इसको आप करते हो आपके टीम में, तो आपको एक व्हाइट बोर्ड लेना है, उसके ऊपर ये ड्रॉ करना है एंड यू कैन मेक यूज ऑफ पोस्टेड स्लिप्स, उसके ऊपर आपके आइडियाज लगा के उस कैटेगरी को आप उसके ऊपर लिख दो एंड देन यू ब्रेनस्टॉर्म अराउंड दैट। हमने जोमेटो सक्सेसफुल कंपनी की बात की, तो हम इसको देखते हैं कि जोमेटो का बिजनेस मॉडल कैनवास कैसे काम करता है। सो हम कस्टमर से स्टार्ट करते हैं। हु आर देयर कस्टमर सेगमेंट्स? यूजर्स हु लुक फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। आपको घर बैठे अलग अलग टाइप के फूड एक ही साथ अगर ट्राई करने हैं तो आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज आप पंजाबी रेस्टोरेंट में जाते हो आपको वहाँ गुजराती खाना नहीं मिलेगा, आप गुजराती रेस्टोरेंट में जाते हो वहां पे आपको इटालियन नहीं मिलेगा, लेकिन आप घर बैठ के ऑर्डर करते हो तो आपको सारा खाना आ सकता है। दैट इज व्हाट जोमेटो कस्टमर सेगमेंट दे आर ट्राइंग टू टारगेट। सेकंड, ऐसे कस्टमर जो बाहर जाना पसंद नहीं करते, घर बैठ के खाना पसंद करते हैं, सो दैट्स द सेकंड कैटेगरी दे टारगेटेड। थर्ड, दे टारगेटेड, दे गेट रेवेन्यू फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, सो दे आर देयर आल्सो देयर कस्टमर्स। सो ऐसे रेस्टोरेंट्स जिनके एडवर्टाइजिंग वो लिस्ट करके बना सके, क्योंकि उनके ऐप पे या वेबसाइट पे ट्रैफिक है और रेस्टोरेंट के बारे में जब कोई सर्च करता है तो मेरा रेस्टोरेंट वहां फिगर आउट होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दे पे जोमेटो। उसके बाद ऐसे रेस्टोरेंट्स जिनके खुद की डिलीवरी की सिस्टम नहीं है, so these are their customer targets. Okay, I have tried to analyze this, this is not very comprehensive, we can improve this another 10 times, but this is just to show you how and this canvas to be used. Okay, then let us look at what is the value proposition of Zomato. The value proposition is it is a one stop shop for all the customers, it allows the evaluation through rating. So aapko pata chalta hai ki jab naya restaurant hum try karenge wo restaurant kaisa hai by reviews and ratings. Then it offers you a convenience, घर बैठ के आपको delivery मिल रही है। It allows you to do online table booking, which is the new service that they have started. Otherwise, हमको restaurant में table booking करना, कई बार जाके वहाँ wait करना पड़ता है। तो आज वो आपको Zomato offer करता है। और सबसे interesting ये कि new sales for restaurants, restaurants के लिए वो नया sales generate करते हैं।
एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज उनके चैनल पार्टनर के लिए भी उनके साथ उनके पास वैल्यू प्रोपोजिशन है विच इज देयर डिलीवरी पर्सन, तो उसके लिए नया इनकम क्रिएट होते हैं एंड दैट इज व्हाई दिस मशीन वर्क्स. देयर हैज टू बी समथिंग फॉर एवरीबॉडी हु इज इन द गेम, देन ओनली मशीन वर्क्स, अदरवाइज पीपल विल नॉट कोऑपरेट. इनके चैनल क्या है, दे रीच टू द कस्टमर्स थ्रू मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट, और इन कस्टमर रिटेन करने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट्स, लॉयल्टी स्कीम्स एंड दे आल्सो हैव मेंबरशिप, फॉर एग्जांपल Zomato Pro which also forms their part of their revenue streams. So, agar ye karne ka unka revenue kaise aata hai? They get revenue from advertising. So, jo restaurants Zomato pe list hote hai, they have to pay them a certain fee. That is their advertising revenue. Fir online ordering se unko commission milta hai Zomato ko. So, that is another source of revenue they have. Then they also have revenue source from membership fees. They have a scheme like Gold Club, Pro, etc. So, wahan se bhi revenue aata hai. So, as I said, a smart company always have one more than one revenue stream. अब इनको देखते हैं कि इनको resources की क्या जरूरत है. तो सबसे पहले इनको users का database चाहिए so that they can reach to them through digital marketing efforts. They want databases in terms of restaurants. Okay, इतना ये loop चलता है. Restaurants है तो traffic आएगा, traffic है तो restaurant आएगा. So that is their second resource. Third resource is delivery persons. उनके बिना उनका business नहीं चलेगा. So they have to start thinking about delivery persons. Then टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने क्रिएट किया है वो भी उनका रिसोर्स है, और एम्प्लॉइज जो इस कंपनी को रन करते हैं. अब ये मशीन चलाने के लिए उनको क्या चाहिए, तो कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उनको सर्च सर्विसेज करनी पड़ती है, उनको पहुंचना है कि कौन देख रहा है उनका कस्टमर, कौन उनके रेस्टोरेंट तक रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, यूजर्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी. देन दे हैव लॉजिस्टिक एंड प्रोसेस फ्लो कि टाइम से कस्टमर को डिलीवरी मिल जानी चाहिए, तो इसका प्रोसेस फ्लो क्या है वो उनको मैनेज करना है. देन वो एग्रीगेशन करते हैं रेस्टोरेंट्स का, फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन पोस्ट करना है और रेटिंग्स प्रोवाइड करनी है, एंड देन टेक्नोलॉजी इनका क्रिएट करना है, मेंटेन करना है. तो ये इनके एक्टिविटीज है. अब इनके पार्टनर्स कौन है, रेस्टोरेंट्स आर लाइक देयर पार्टनर्स एंड द पीपल हु कैरी डिलीवरी आर ऑल्सो देयर पार्टनर्स. सो मैंने बताया कि इनको भी सेटिस्फाई रखने के लिए बिल्ट इट इन देयर वैल्यू प्रोपोजिशन. अब इनका खर्चा कहाँ से आता है, इनकी कॉस्ट आती है टेक्नोलॉजी सेटअप करने में जो कॉस्ट है, वो सैलरीज जो एम्प्लॉइज और डिलीवरी पर्सन के है, और लॉजिस्टिक और फ्यूअल कॉस्ट जो है वो. तो इस तरीके से Zomato का बिजनेस मॉडल कैनवास अभी काफी तरह से फ्रोजन हो गया है. लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि एज दे सी न्यूअर एंड न्यूअर अपॉर्चुनिटी दे विल कीप इवॉल्विंग देम एंड देन दिस पिक्चर विल स्टार्ट चेंजिंग.